वेलकम कहते हैं एफएम 101 के तमाम लिसनर्स को एक बार फिर. आप सुन रहे हैं स्वीट होम शो, हुमैरा सदफ है आपके साथ. और अब जो प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाएगा वो है NIBD के तावुन से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज. हमारे साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज से डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम की गेस्ट हैं. आज हम उनसे बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे, बहुत सी ऐसी सवालात करेंगे जो कि आपके जहन में भी हैं खून की कमी के हवाले से, और नौजवान नस्ल में जो खून की कमी बहुत ज़्यादा आजकल पाई जा रही है इस हवाले से बात करेंगे. डॉक्टर साइमा मुंजिर हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं, हेमाटोलॉजिस्ट हैं, और थोड़ा सा इनका तारुफ इनसे खुद भी लेते हैं कि ये क्या करती हैं. वेलकम करूँगी डॉक्टर साहिबा आपको अपने प्रोग्राम में. वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? थोड़ा सा अपना तारुफ आप पहले मुझे दीजिए. अच्छा, देखिए मैं MBBS डॉक्टर हूँ, उसके बाद मैंने ब्लड डिजीज में अपनी ट्रेनिंग की है 4 इयर्स की. ठीक है. और अपने स्पेशलाइजेशन ऑलमोस्ट 5 इयर्स बैक कंप्लीट किया है. उसके बाद से मैं एज अ कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर रही हूँ अपनी चीज़ों को, बच्चों को, बड़ों को, जो भी खून की बीमारियाँ हैं जिसमें हमारे यहाँ खून की कमी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. और इसीलिए ये पूरा मंथ जो है हमने इसीलिए अवेयरनेस प्रोग्राम किए, इसीलिए कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि आराम से सॉल्व हो सकती है, आराम से प्रिवेंट की जा सकती है अगर इसको सही से इसके बारे में लोगों को पता हो और सही वक्त पर इसका अगर हम तदारुक कर लिया जाए, सही वक्त पर समझ में आ जाए कि आपको खून की कमी हो रही है. बिल्कुल, तो बिल्कुल, तो एक बहुत अच्छी बात है, एक सदका जारिया भी है, लोगों की खिदमत भी एक तरह से हो रही है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने लिसनर्स को आज के प्रोग्राम के थ्रू देने वाले हैं. तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये होगा, एक कॉमन सवाल सबके जहनों में है कि एनीमिया क्या है, ये खून की कमी जिसे हम कहते हैं ये है क्या? देखिए, एनीमिया या खून की कमी जो है, एक अल्लाह ताला ने हर इंसान में एक ख़ास लेवल रखा है खून का, जिसको हम आम जबान में हीमोग्लोबिन कहते हैं. बिल्कुल, ठीक है जी. हीमोग्लोबिन या उसको शॉर्ट टर्म में HB भी कहा जाता है. मर्दों में इसका कट ऑफ थोड़ा डिफरेंट है, 13 से लेके या 15 तक होता है आमतौर पर, और ख्वातीन में जो है ये 12.5 से ऊपर होता है, 14.5-15 तक होता है जी. ठीक. अच्छा, हमारे यहाँ इशू ये है कि एक तो हमारे यहाँ गुर्बत एक अपना एक प्रॉब्लम है. बिल्कुल है, ठीक है. लेकिन उसके बावजूद जो हम चीजें देख रहे हैं कि अच्छे खाते पीते घराने के बच्चे बच्चियां जी, ठीक है. बाज दफा तो एक फैमिली तो मेरे पास आई थी कि जो बच्चियां भी और उनकी मदर भी, अच्छा, तीनों एक जैसा हीमोग्लोबिन लेके आई थी, 5, 4, 3, यहां तक हम देख रहे हैं कि जिसपे अगर हम अपनी किताबें उठाएं जो कि यूजली वेस्टर्न राइटर्स की होती हैं, बाहर के मुल्कों की लिखी हुई होती हैं, तो उसमें तो उसके साथ ही होता है कि भाई आप ICU में डालें और इस तरह मैनेज करें जी. लेकिन क्योंकि वो हमारी बॉडीज इतनी आदी हो चुकी होती हैं इतने कम खून के, वो लोगों को इतने सिम्टम्स पता नहीं चलते. दूसरी चीज ये कि ख्वातीन होती हैं वो इतना अपने आप को बच्चों के पीछे अपने आप को इतना ख्याल नहीं रखना कि अच्छा यार चक्कर आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो ORS पी लिया, जूस पी लिया, ठीक हो जाएगा जी. वो जब तक बिल्कुल ही फ्लैट नहीं हो जाती है, जब तक शायद फैमिली भी उनकी इतनी फिक्र नहीं करती और वो खुद भी अपने आप को इतना वो नहीं करती. जैसे कि आपने कहा कि सिम्टम्स आमतौर पर पता नहीं चलते, तो आपसे सबसे पहले यही सवाल करूंगी लिसनर्स के लिए भी कि क्या सिम्टम्स हैं, क्या वजूहत हैं, कैसे आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त आपके अंदर खून की कमी हो रही है? देखिए, खून की कमी के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जिसमें कॉमन कॉमन है वो एक तो एक चक्कर आना, ठीक है, कमजोरी, वीकनेस महसूस करना कि भाई काम करने का दिल नहीं चाह रहा है, ठीक है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो वो आपको महसूस होना शुरू हो जाती है कि हाँ जी घबराहट हो रही है जी, दिल जोर से धड़क रहा है. ये पेशेंट खुद आके कहता है कि हाँ जी मुझे लगता है कि मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है जी, ठीक है. ये चीजें होती हैं. दूसरा के आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, सांस का फूलना, खासतौर से सीढ़ियां चढ़ते हुए. एक आम मेरा या आपका अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगा तो हमारा सांस हम आराम से 1-2 फ्लोर्स की चढ़ जाएंगे. बिल्कुल. लेकिन अगर हमारे खून कम होगा तो हम शायद 1 फ्लोर भी नहीं चढ़ पाएंगे, और चढ़ भी जाएंगे तो बहुत ज्यादा ऊपर जाके हाँपने लगेंगे, हमारी सांस बहुत ज्यादा फूलना शुरू हो जाएगी. तो ये वो कॉमन सिम्टम्स होते हैं. उसके अलावा अगर बच्चों की बात करें तो उनका भूख खत्म होना शुरू हो जाती है, या बड़ों में भी भूख की कमी हो जाती है, नींद की कमी हो जाती है, रातों को नींद नहीं आ रही है, दिन में भी नींद नहीं आ रही है. और यंगस्टर्स की भी हम खास तौर पर बात कर रहे हैं, तो नौजवानों में कभी कभी ऐसा होता है कि चक्कर आपको महसूस नहीं हो रहे लेकिन थकावट का एक एहसास है. बिल्कुल, बिल्कुल होता है दिन भर के काम करने के बाद. और इवन उनको अपनी प्रोडक्टिविटी के अंदर भी फर्क नजर आता है कि यार मैं पहले शाम तक तो बड़ा एक्टिव रहता था, अब जो है मैं दोपहर के बाद ही डाउन होना शुरू हो जाता हूं. जी हाँ. तो ये वो कॉमन सिम्टम्स होते हैं. दूसरा, चेहरे का कलर जो है वो फैमिली नोट करती है कि हाँ जी ये पीला पड़ रहा है. जी हाँ.
ठीक है, तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसको बाज लोग जो है वो पीलिए से भी मिक्स कर देते हैं कि हाँ जी पीला पड़ा है तो इसको जॉन्डिस ही हो गया, लेकिन वो जॉन्डिस नहीं होता, जॉन्डिस नहीं होता। अच्छा, और जो वजूहत है इसकी आजकल जो कॉमन बच्चों में भी हो रहा है, हम देखते हैं यंगस्टर्स में भी है और छोटे बच्चों में भी है कॉमन, और आपने अभी बताया कि पूरी फैमिली आपके पास आई जिसमें बच्चियों को और उनकी वालदा को भी, तो मेन रीजंस क्या है जो कि खून की कमी इतनी ज्यादा हो रही है हमारे नौजवानों? डाइट जो है ना ये बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। कुछ हम बाज दफा जब आपस में डिस्कस करते हैं तो हम खुद भी कहते हैं कि यार हम डॉक्टर्स नहीं, कुछ गड़बड़ की हुई है इसमें, क्योंकि एक जमाना था कि हम कहते थे कि जी रेड मीट नहीं खाना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, जी हाँ, ठीक है। तो अब वो उसकी वजह से इतना रुझान हो गया, और चिकन क्योंकि जल्दी बन जाती है, फास्ट फूड का रुझान है, तो होता ही है कि बच्चे भी और बड़े भी जी रोज चिकन बन रही है, लेकिन हफ्ते में 3-4 दिन तो बननी ही बननी है, ठीक है। अब हो ये रहा है कि रेड मीट जो है वो ऑलमोस्ट घरों से, अगर आप पूछें जो अच्छे खाते पीते घराने ना, वहां से भी रेड मीट जो है वो तकरीबन आउट हो गया है, कि गाय का गोश्त तो नुकसान करता है और बकरे का तो वो हमें पसंद नहीं, उसमें तो हीक आती है, ये जवाब मिल रहे होते हैं। लेकिन ये आप यकीन कीजिए, एक तो चिकन आजकल जो जैसी भी मिल रही है, एक तो हमें तो लगता है कि अब उसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, आयरन तो नहीं है, वो तो पक्की बात है, वो तो अल्लाह मियां ने उसमें डाली नहीं, लेकिन जो बाकी चीजें वो भी नहीं है, उसमें गजाइयत नहीं है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो ये कि भाई लाल गोश्त का इस्तेमाल शुरू करें, खास तौर से बच्चों में और खवातीन में, क्योंकि ग्रोइंग एज जो है उसमें आपको सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें आयरन एक बहुत बड़ा न्यूट्रिएंट है जो कि आपके हर सेल की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, सही, ठीक है। अगर देखें आयरन की कमी होगी ना, तो आप यकीन करें बच्चियों के लिए, खास तौर से बच्चियां सुने कि उनके बाल कमजोर हो जाते हैं, वो जो ब्राउनिश हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, नाखून खराब हो जाते हैं, ये सब आयरन की कमी से होता है, सही। तो आपने आयरन जो है ये मेनली रेड मीट में है, कलेजी में है, ये चीजें हैं। तो उसके अलावा खजूर, खजूर का इस्तेमाल जो है ना, इसमें भी आयरन अल्लाह ने बहुत सारा रखा है, तो रोज की 2 खजूरें, अगर शुगर नहीं है तो आप आराम से 2-3 खजूरें रोज की खाएं, इससे भी आप कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छा खासा आयरन बॉडी को मिल जाता है। अच्छा, और एकदम अगर आप में कुछ ज्यादा ही खून की कमी हो गई है, तो पहली फुर्सत में अगर कोई ऐसा पेशेंट है या बच्चा है या घर में कोई ऐसा फर्द है, तो उसको पहली फुर्सत में क्या करना चाहिए? अब उसको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही वीकनेस हो रही है और अब ये चीजें खाने के बाद भी, पहले तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पता चले कि कितनी कमी है, ठीक है, कि खास कट ऑफ होते हैं या पेशेंट की खास कंडीशन होती है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि भाई दवाओं से ठीक हो जाएगा जी, या ये अब तो इतना कम हो गया कि अब तो ब्लड लगाने के अलावा कोई हल नहीं है जी, ठीक है। अच्छा, मैं ज्यादा आपको गजाई उस पर ज्यादा फोकस इसलिए करी हूँ कि सबसे कॉमन जो है ना ये प्रॉब्लम है, जो कि हम तो खून के डॉक्टर्स हैं, हमें तो आती ही आती है, उसके अलावा गायनोकोलॉजिस्ट भी देख रही होती हैं, पीडियाट्रिशियंस जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं वो भी, आम फिजिशियंस भी, और रीजन ये होता है कि डाइट सही नहीं। दूसरी चीज जो आती है वो आजकल लड़कों में गुटखा और छालिया बहुत ज्यादा कॉमन एक ये मसला है। देखें लड़कियों में या बच्चों में आयरन की कमी फिर भी समझ आती है कि चलो बच्चे चूजी होते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये चीज आ गई। लड़कियों में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं उनका एक इशू होता है, या डिलीवरीज होती हैं उसमें ब्लड लॉस हो जाता है, सही। मर्दों में कोई ऐसा रीजन नहीं है कि उनका खून कम हो, कम हो जाए। आजकल इतने यंगस्टर्स आ रहे हैं जिनका हीमोग्लोबिन और बाकी, मतलब सिर्फ वो आयरन को मसला नहीं कर रही है, वो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है ना भी कॉम्प्लेक्स जी, वो भी एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, जो ये गुटका है या तो अब्सॉर्ब नहीं होने देता, या अगर अब्सॉर्ब हो जाता तो उसमें चूना और इस किस्म की चीजें इतनी ज्यादा पाई जाती हैं कि वो बहुत बारीक कट्स लगाते हैं हमारे मुंह में और जबान पे, यस ये है, जिससे ब्लड लॉस शुरू हो जाता है और वो हमें नजर नहीं आता है जी। तो हम तो मजे के लिए खाते रहते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर चीजों को तबाह करता जाता है। आप यकीन करें कि ऐसे लड़के आते हैं कि जिनके अंदर हर चीज, उनके हीमोग्लोबिन क्या, तो प्लेटलेट क्या, तो व्हाइट सेल्स क्या, सब बिल्कुल सिफर के करीब होते हैं, और वजह सिर्फ गुटका होती है उसकी, और वजह जब आप उनको डिग आउट करें, उनसे पूछगछ करें, तो निकलता कुछ नहीं है, सही। अच्छा, और ये अभी गुटका और छालिया की बात की, ये खवातीन में भी बहुत कॉमन है, मुख्तलिफ किस्म ब्रांड्स की आ रही छालिया, वो खाते हैं शौक के लिए, कुछ लोग इसलिए खाते हैं कि मुंह से खुशबू आएगी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, कैंसर तक तो करवा देती है, बिल्कुल, तो और तक तो हो जाते हैं, तो अब मजीद क्या, हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि छालिया जो है गोश्त गलाने के लिए इस्तेमाल होती है, कि जब कभी गोश्त ना पक रहा हो तो वो उसको गोश्त में डाल दिया जाता है, और अब उसे लोग खाते हैं, उसे जबान भी आपकी पकती है, छाले भी होते हैं, और बाकायदा नजर आता है कि ये सब हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका वो इस्तेमाल करते हैं। तो जो खवातीन इस वक्त हमारा शो सुन रही है और जो छालिया खाती है, उन्हें क्या पैगाम देंगे? देखें मेरा मशवरा ये कि समझदारी इसी में ही होती है कि आप पहले से प्रिकॉशंस ले लें, पहले से अपनी चीजों को समझ लें कि हाँ जी किस चीज में मेरा फायदा, किस चीज में नुकसान,
انسان ہے. ٹھیک ہے, پیسے کے ضیاع بھی ہے اور صحت کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل, تو مطلب کوئی 5% بھی اگر ہوتا نا کہ چلو اس کا ہیلتھ بینیفٹ ہے تو میں کہتی اچھا بھی کھا لو, صحیح, لیکن نقصان ہی نقصان ہے نا, کوئی فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہے. بالکل. اور لسنرز, ہم پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرے ہیں این آئی بی ڈی کے تعاون سے. اگر آپ بھی خون کی کمی کے حوالے سے ہماری ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر سائمہ منظر سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, آپ بالکل کر سکتے ہیں, ہم آپ کے لیے جواب ضرور ان سے لیں گے. جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کھجور کھانے سے آپ آئرن کی کمی کو جو ہے بہتر کر سکتے ہیں, خون بڑھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آج کل ایپریکوٹس آ رہی ہیں, یعنی خوبانیاں جو ڈرائی ہوتی ہیں, اس میں بھی بہت زیادہ آئرن کی مقدار پائی جاتی ہے. تو کھانے فروٹس وغیرہ میں تو ہے, لیکن جتنی آئرن ان چیزوں میں نا, جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں, لال گوشت, کلیجی اور کھجور, اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, آپ فروٹس کھائیں, بالکل کھائیں, بہت ہیلدی ہوتے ہیں. جنک فوڈ سے جتنا بچیں اتنا اچھا ہے. ہمارے یہاں تو ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ بچوں کو کچھ نہیں کھانا, انہیں فاسٹ فوڈ کھانا ہے. اور آپ نے بھی ایک ریزن بتایا, خون کی کمی کا نوجوانوں میں فاسٹ فوڈ ہے. اور فاسٹ فوڈ میں نارملی جب آپ کہیں سے بھی آرڈر کریں تو زیادہ تر چکن ہی آتا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, برگر ہو یا کوئی بھی چیز ہو, اس میں چکن ہوتا ہے. باربیکیوڈ آئٹم ہو, کچھ بھی, وہ اسی لیے کہ وہ جلدی بن جاتی ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے, لیکن یہ چیزیں ہیں. دوسرا, فیمیلس کے اندر آئیں تو بچیوں میں, خاص طور سے جب بچیاں بالغ ہوتی ہیں تو اس وقت ان کے سائیکل زیادہ تر ارریگولر ہوتے ہیں. صحیح, اس چیز کو اتنا مائل لائٹ نہ لیں, جی ٹائملی دکھا لیں, کیونکہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر خون کی کمی آہستہ آہستہ ہوتی چلی جاتی, کھاتی پیتی وہ ہے نہیں, اور یہ چیزیں پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں. خواتین پاس جب آتی ہیں جب بالکل فلیٹ ہو چکی ہوتی ہیں. خواتین پہ زیادہ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں گھر کی ایک طرح سے, کیونکہ انہوں نے نہ صرف بچوں کو دیکھنا ہے, گھر کو دیکھنا ہے, ہسبینڈ کو دیکھنا ہے, اور بڑے جو بزرگ ہیں. بچیوں کی بھی بات کر رہی ہوں جو ابھی بڑی ہو رہی ہیں, مطلب انہیں آگے جا کے ایک فیملی سنبھالنی ہے, تو آپ ان کو ابھی سے اچھی نیوٹریشن دیں گے نا, بالکل آگے جا کے وہ ایک اچھی مدر بنیں گی. خواتین جو حاملہ ہوتی ہیں یا پریگنینٹ ہیں, اس وقت بھی خون کی کافی کمی ہوتی ہے. اس کی ایک ریزن شاید یہ بھی کہیں رہی ہوتی ہے کہ وہ شروع میں اپنی ڈائٹ کا اتنا زیادہ انہوں نے خیال نہیں رکھا. تو جو خواتین میں یہ کمی ہوتی ہے اس کو وہ کس طرح کیور کریں؟ دیکھیں, خواتین میں ایک تو یہی چیز ہے کہ اگر تو چلے انہیں ڈائٹ نہیں لی, جی, تو ڈیورنگ پریگننسی آئرن ضرور دیا جاتا ہے. صحیح, اب ہوتا ہے کہ اس میں بھی خواتین ڈنڈی مار جاتی ہیں, حالانکہ وہ بہت ہی, میرے خیال میں جو آئرن کی ٹیبلٹس اویلیبل ہیں بہت ہی چیپ والی بھی موجود ہیں, جی, لیکن اس میں بھی عورتیں یا خواتین جو ہیں وہ نہیں کھا رہی ہوتی ٹائم سے, ایک وجہ یہ ہوتی, یا بہت ڈاکٹرز کے پاس پہنچتی بھی بہت لیٹ ہیں, جی, کہ ٹھیک ہے پریگننسی تو ہو گئی ہے, عام جو پڑھے لکھے گھرانے ہیں وہ چلے بھی جاتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں کہ نہیں چلے جائیں گے, ڈلیوری سے 2-3 مہینے پہلے فرسٹ وزٹ کر لیا, جی, تو اس وقت بھی یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ اس وقت چیزیں بہت زیادہ جو ہے نا آگے جا چکی ہوتی ہیں, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بلڈ لگا دیا. اچھا, بلڈ جو ہے کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے, جی, ٹھیک ہے, آپ کہیں سے بھی, آپ امریکہ سے چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, کوئی بھی آپ کو 100% شیورٹی نہیں دے گا کہ یہ ہر چیز سے, ہیپیٹائٹس بی, سی, ایون ایڈ سے یہ پاک ہے. پاک ہے بالکل. آپ کسی بھی اچھے سے اچھے سینٹر میں چلے جائیں, کیونکہ ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہو رہی ہیں, اچھے سے اچھی چیزوں کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی جو مائنر لیول پہ بھی کوئی جراثیموں سے پک کر لیا جائے, لیکن بات یہ ہے کہ سائنس آگے جائے گی. آج سے 30 سال پہلے ہمیں ایچ آئی وی کا نہیں پتا تھا, بالکل, تو ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ایسی ہو جو کہ اس میں موجود ہو جو آج سے 30 سال بعد ہمیں پتہ چلے, جی, تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے ٹائم پہ آؤ کہ یار بلڈ کی ضرورت تو نہ پڑے, کیونکہ بلڈ یعنی سیکیور نہیں ہے. کچھ لوگوں کو سنا ہے میں جب بلڈ ہم لگاتے ہیں تو وہ انفیکشن بھی کر جاتا ہے ان کی باڈی میں, ہوتا ہے, ریئیکشن ہو سکتے ہیں, تو بلڈ ہم جب ضرورت ہوتی ہے تو لگانے, جی, لیکن ان نیسیسری, مطلب یہ جو غذائی کمی والے لوگ ہوتے ہیں نا ان پہ, اسپیشلی ینگ وغیرہ ہوں تو ان پہ بہت افسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک ایسی چیز تھی جو آپ آرام سے پریوینٹ کر سکتے تھے لیکن آپ ایک بلڈ لگا, یعنی بہتر یہ کہ بلڈ لگانے کی نوبت آئے اس سے پہلے آپ غذا سے, فروٹ سے, ویجیٹیبل سے, اور وہ غذائیں جس میں آئرن بہت زیادہ ہے, اور اس سے اپنی خون کی کمی کو آپ ریکور کریں. تو اب آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا ایک میسج دیں گی, کوئی غذائی ایسا شیڈیول آپ کے پاس ہے جو ہمیں بتا سکیں کہ وہ اپنی غذا میں, اس میں بھی یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں لال گوشت بہت زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر عام لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں تو ہفتے میں اگر 2 دن بھی نا صرف ایک ایک بوٹی بھی کھا لیں گے آپ گوشت کی, جی, آپ کی باڈی کے لیے انف ہے. صحیح, ٹھیک ہے, ہاں, پریگننٹ خواتین کی ریکوائرمنٹس بڑھ جاتی ہیں کیونکہ ان کا بیبی بھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, ان کو اپنی بھی نیڈ زیادہ ہوتی ہے, تو ان کی ریکوائرمنٹ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. ادروائز اگر آپ ہفتے میں 2 دن بھی کھا لیں گے نا اتنا, اور یہ جو فالتو قسم کی چیزیں چھوڑ دیں گے, تو آپ یقین کریں آپ کو اتنی شدید کمی بہت مشکل ہے. اچھا, یہ دودھ کے بارے میں بھی ہم سنتے ہیں کہ دودھ بھی خون کی کمی کو کافی حد تک پریونٹ کرتا ہے. خون, دودھ جو ہے خون بناتا ہے اور آپ کی ہڈیاں بھی مضبوط کرتا ہے. آج کل تو نوجوانوں میں یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ دودھ بالکل نہیں پیتے ہیں, بچوں میں بھی یہ آ رہا ہے, لیکن دودھ جو خون بنانے میں اتنا اہم کردار تو نہیں, ہاں ہڈیاں مضبوط کرنے کے لیے ہے, جی, اور دودھ پینا لازمی ہے اسپیشلی بچوں کا اور عورتوں کا.
बहुत ज़रूरी है. और मर्दों में भी ऑफकोर्स जब तक बच्चे बड़े हो रहे हैं कम से कम भी 16-17 साल तक तो रेगुलर एक ग्लास दूध लाजमी कोशिश करें कि वो लें. देखें यही चीज़ें फिर हम दवाओं की सूरतों में ले रहे होते हैं वो हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती हैं और वो अचानक हमारे ऊपर एक बोझ आता है ना कि ये जी इतना लंबी लिस्ट आ गई है कि ये चीज़ें खानी है. अगर हम वही चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके अपनी डाइट में ऐड करते रहें तो क्या बुराई है. एक वेजिटेबल है चुकंदर जिसे हम कहते हैं और उसके हवाले से भी कहा था कि खून बनाने में ये बहुत अहम किरदार अदा करती है. डॉक्टर्स क्या कहते हैं इस हवाले से, आप क्या कहते हैं? चुकंदर भी खा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है. चुकंदर के जूस के हवाले से पूछना चाह रही हूँ. जूस भी ले सकते हैं, मतलब ये चीज़ें देखें इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान करेगी. जी तो आप बिल्कुल लें, उसमें कोई हर्ज नहीं. लेकिन जो मेन कंटेंट है मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि कलेजी और गाय और बकरे का गोश्त आपने कहा. बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका. अभी गुफ्तगू का सिलसिला आपसे जारी है, कुछ सवाल तो और भी हमारे पास मौजूद हैं जो लोग आपसे करना चाह रहे हैं. वो कह रहे हैं, एक सवाल है अब्दुल समद कह रहे हैं हमें कि अगर खून की कमी है और हमें अलामत नज़र नहीं आ रही तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें खून की कमी है. एक पेशेंट जिसको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि उसमें खून की कमी है तो क्या वो अपना बाकायदगी से टेस्ट करवाएं या कुछ अरसे बाद? नहीं तो CBC में कहूँगी कि 6 महीने में तो एक दफ़ा. ठीक है, ये टेस्ट है CBC के नाम से. ठीक है, CBC या ब्लड CP कहलाता है जिसमें हीमोग्लोबिन पता चल जाता है आमतौर पे. तो वो चीज़ है. दूसरा ये कि देखें ग़िज़ाई कमी के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां जिसमें खून की कमी होती है, जैसे बवासीर हो गई. ठीक है, तो बवासीर को लोग उसी तरह लेते रहते हैं कि हाँ जी वो जाके सर्जन को दिखा दिया ये इस तरह से, लेकिन जो उसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है ना वो कवर नहीं कर रहे होते. ठीक है, तो वो भी ज़्यादातर यही होता है कि जब सर्जरी प्लान होती है उनकी तो जब सर्जन देखता है कि हीमोग्लोबिन तो 5 है जी, तो फिर ब्लड ही लगता है उसमें, कोई वो नहीं होता है. तो इन चीज़ों को भी देखें, अगर बवासीर है उसको भी लाइट नहीं लें, उसकी भी ट्रीटमेंट करवाएं जाके प्रॉपर. मतलब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हेल्थ सिस्टम मौजूद तो है लेकिन लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है. ठीक है, कुछ पैसों की वजह से, कुछ वैसे ही सोसाइटी में रिवाज ही नहीं है डॉक्टर्स के पास जाना ये करना, तो उसकी वजह से चीज़ें बहुत डिले हो जाती हैं. बिल्कुल, अगर अपनी डाइट में हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स और जैसे आपने कहा कि गाय का गोश्त है, बकरे का गोश्त है, कलेजी बहुत बड़ी आयरन का एक सोर्स है, अगर ये सब चीज़ें हम मतवाजन डाइट लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह ये जो मसला है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है. एक हमारे साथ सिंधी आर के आज़ाद हैं, वो कह रहे हैं कि उनका मसला ये है कि जब वो थोड़ा सा दौड़ते हैं तो उनकी सांस चढ़ जाती है. वो क्रिकेटर भी हैं तो इस मसले से वो बहुत परेशान हैं. तो क्या ये रीज़न दिखाना चाहिए? बिल्कुल, उनको दिखाना चाहिए ताकि हम देख सकें कि उनका हीमोग्लोबिन ठीक है. अगर हीमोग्लोबिन ठीक है तो फिर जो रीजंस हैं जी उनको देखना पड़ेगा कि उनकी सांस क्यों फूल रही है. ठीक है, और जैसे अभी एक सवाल आया था, मेरा भी कुछ इसी किस्म का सवाल है कि कभी कभार आपको अंदाजा नहीं होता कि ये खून की कमी आप में हो रही है, तो कैसे आप उसको डायग्नोस करेंगे? उसके लिए तो फिर ब्लड टेस्ट, टेस्ट ही होगा क्योंकि ज्यादातर हमारे पास तो लोग ऐसे ही आते हैं कि या फिर किसी को फैमिली में हो गया. जैसे मैंने बताया कि वो तीनों बच्चे, दो बच्चियां और उनकी वालदा आई थी, तो वो एक को प्रॉब्लम हुई थी तो बाकियों को भी लिया. जब उनसे हिस्ट्री ली कि भाई क्या खाते हो तो वो चिकन की शॉपिंग थी. अच्छा, और डाइट उनकी अच्छी नहीं थी, यानी चिकन ज्यादा उसमें था, प्योर चिकन पे ही थे वो लोग. ठीक है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को एक दोबारा कि डाइट के हवाले से अपनी डाइट का वो किस तरह ख्याल रखें ताकि खून की कमी उनमें ना हो और वो सेहतमंद रह सकें? और टेस्ट का तो आपने बताया कि हर 6 महीने बाद अपना ब्लड टेस्ट करवाएं कि आपकी ब्लड किस लेवल पर है, कम तो नहीं है हीमोग्लोबिन. तो अब आप एक देखें, एक तो यही है कि अगर आप अपना अच्छा ख्याल रखना चाहते हैं तो कम से कम 6 महीने में एक दफ़ा अपना CBC कहीं से भी अच्छी बेहतर लैब से करवा लीजिए. ठीक है, अगर कहीं भी ऊपर नीचे हो चीज़ों में तो आप लाजमी किसी डॉक्टर को दिखाएं, फिजिशियन को दिखा लें या ब्लड के जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उनको दिखा लें. ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि बचना है अगर किसी चीज़ से तो सबसे पहले तो ये वाली चीज़ें जो आपकी सेहत को फ़ायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान ही कर रही हैं, जिसमें छालिया, गुटखा, पान, इवन चाय, एक्सेसिव यूज ऑफ टी. चाय जो है ये हमारे अंदर जो अगर आप बहुत अच्छी डाइट ले भी रहे हैं, आयरन खा भी रहे हैं, लेकिन आपकी चाय पीने का बहुत ज्यादा है कि जिनमें चलो कराची वालों में बहुत है कि 4-5 कप पी ली जी. तो वो एब्जॉर्ब नहीं होने देती बच्चों में. खासतौर से जो चाय पिलाने का रिवाज है उसको हमें खत्म करना पड़ेगा. क्योंकि देखें बच्चे जो है उनको दूध दे दें ठीक है, लेकिन चाय देते हैं पहले वो कुछ नहीं खा रहे होते, जो रहा सा होता है वो भी. यानी चाय जो है आप कहना चाह रही खून की कमी पैदा करती है चाय भी? बिल्कुल. अच्छा, वो आयरन या जिसको उर्दू में फौलाद कहते हैं वो जो आपने खाया भी है ना तो आंतों में जाके उसे जज्ब नहीं होने देगी. सही. ठीक है, तो चाय जो है बच्चों में नहीं देनी चाहिए. डॉक्टर साहब, कुछ फैमिलीज में तो ये रूटीन है साहिबा कि वो जैसे ही खाना खाया उसके बाद वो एक चाय का कप पीते हैं, इसके क्या नुकसान हैं और ये क्या वाकई जैसे आपने कहा है? जो हमारे यहाँ पी जाती है ना दूध वाली चाय जी, वो एसिडिटी करती है. एक्सेसिव चाय जो है ना कोई भी चीज की देखें ज्यादती जो है वो फायदा तो नहीं करेगी.
बिल्कुल सही, ठीक है, ये तो हमारा मजहब भी हमें करा था कि एक बीच का रास्ता पकड़ो, जी हाँ, ठीक है। तो ये कराची वालों में ही ज्यादा, सबसे ज्यादा रिवाज है कि यहाँ चाय का बहुत ज्यादा है, पान का भी यहीं पे ही रिवाज है, छालिया का भी इधर ही रिवाज है, तो हमें इन चीजों को कट डाउन करना होगा, सही, वरना जो मसाइल हम देख रहे हैं कि जवान जवान लड़के आते हैं ऐसी हालत में कि हमें अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हमें कैंसर्स का शुबा हो रहा होता है, इन चीजों का शुबा हो रहा होता है, जब हम उनको कटते हैं और डिग आउट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो पता चलता है कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो वो चूहा ही निकलता है अंदर से। समटाइम्स जब आपको कोई आदत पड़ जाती है, कोई हैबिचुअल हो जाते हैं आप गुटखा खाने के और खवातीन छालिया खाने के, उसे छोड़ना भी एकदम से बहुत मुश्किल है ना। मना भी करते हैं कि हाँ एकदम से, उसके नुकसान भी होते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता ही आप किसी चीज से रिप्लेस करें, जैसे च्युइंगम हो गई या टॉफी हो गई, सही, ठीक है, उससे आहिस्ता आहिस्ता करें और फिर उसको भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दें। नहीं कि आप दिन में 6 दफा टॉफी खा लें, वो भी तो नुकसान करेगी, बिल्कुल। लेकिन ये कि आप सबसे ज्यादा मुजर चीज से कम मुजर पे आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको करके खत्म करें, किसी अच्छी चीज पे आए, ड्राई फ्रूट्स खाने की, इन चीजों की आदत डालें जो कि आपकी हेल्थ के लिए बेहतर हो, सही, ठीक है। दूसरा एक पैगाम मैं दूंगी कि बच्चों में खासतौर से बच्चे आजकल लो बर्थ या वो कहते हैं कि कमजोर बच्चे आते हैं, वेट उनका कम होता है, तो उसमें एक हम एडवाइस देते हैं कि बच्चों को केला जी और घी या मक्खन, स्पेशली जो ये बच्चे होते हैं ना 6 महीने से साल वाले जिनकी वीटिंग स्टार्ट होती है, उनको आप जरूर दें, उससे उनका वेट गेन बहुत अच्छा होता है। अच्छा, यंगस्टर्स में हम देखते हैं बहुत से बच्चों का जब वेट करवाते हैं तो वो अंडर वेट होते हैं, तो जो नौजवान हमारे इस वक्त जो अंडर वेट हैं उनको अपना वेट गेन करना चाहिए, जो एक हाँ उनके जो एज के लिहाज से उनका वेट उतना होना चाहिए, और अगर नहीं है, अगर कम है तो कहीं खाना पीने में गड़बड़ कर रहे हैं या फिर कोई और वजूहत है, वो फिर दिखाना पड़ेगा। वेट कम होने से खून की कमी का ताल्लुक है? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर कोई अपना वेट गेन करना चाह रहा है जो उसकी एज के मुताबिक उसका वेट होना चाहिए, उसे अपनी गिजा में क्या चीज़ें लेनी चाहिए? मक्खन और ये केला, मक्खन और केले का जब आम का सीजन हो, आम भी अच्छा वेट गेन करवाता है। ठीक है, लिस्टर्स आप सुन रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर साइमा मौजूद हैं, और हमारे साथ डॉक्टर साइमा मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं, ये हेमाटोलॉजिस्ट हैं, और NIBD के तावन से आज ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं खून की कमी के हवाले से या डॉक्टर साइमा से कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं 101 के टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए आपका नाम, आपका पैगाम, और रवाना कर दीजिए 4471 पर। फेसबुक यूज कर रहे हैं तो www.facebook.com/101Pakistan पर आकर अपना फीडबैक दे सकते हैं, कोई सवाल कर सकते हैं। कुछ सवाल हमारे पास आ रहे हैं लेकिन वो खून की कमी से रिलेटेड नहीं है, वो डॉक्टर साहिबा से मुख्तलिफ सवाल आते हैं जैसे पिंपल्स के हवाले से। तो लिसनर्स को ये बताते चलें कि ये हमारा जो शो हो रहा है खून की कमी के हवाले से, खासकर इसका मौजू ये है और यंगस्टर्स में जो खून की कमी हो रही है उससे कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब आपका कॉन्टैक्ट नंबर वो पूछ रहे हैं कि किस तरह आपसे रब्ता किया जाए। तो जनाब NIBD जो आप इसे सर्च करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज, इसे आप गूगल पर सर्च कीजिए, यकीनन आपको यहाँ का एड्रेस और फ़ोन नंबर सब कुछ मिल जाएगा और आप यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। अगर ब्लड अपना आप टेस्ट करवाना चाह रहे हैं या किसी हवाले से डॉक्टर साहिबान से रब्ता करना चाह रहे हैं या कोई मशवरा लेना चाह रहे हैं या एडवाइस हासिल करना चाह रहे हैं या किस तरह जानना चाह रहे हैं कि खून की कमी को आप पूरा करें अपने जिस्म में, तो आप रब्ता कर सकते हैं। मेरे को जनाब सिंधी आर के आजाद साहब थे, आपने यकीनन सुन लिया आपका कैसे डॉक्टर साहिबा से रब्ता करना है। जो नौजवान हमें सुन रहे हैं, डॉक्टर साहिबा ने उन्हें कहा कि जी गुटखा आपने नहीं खाना, छालिया से आपने परहेज करना है, पान ये भी कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है जिसे खाकर अपनी सेहत आप खराब करें। खवातीन के लिए बिल्कुल एक चीज मैं ये कहूंगी कि बच्चियों में एक तो साइकिल्स का रेगुलर होना लाजमी है, अगर इरेगुलर है, ब्लीडिंग के इश्यूज हैं तो उनको जाके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए। सही, इसी तरह जो हमला खवातीन है उनको भी अपने रेगुलर चेकअप्स और ये CBC टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि पता है होता क्या है कि प्रेगनेंसी में तो वो जैसे तैसे गुजार लेती हैं। अच्छा, एक हमारी साइंस या जो भी कहने वो ये कहती है कि देखें बच्चा जो है ना वो अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट ले लेता है माँ से, जितनी उसको चाहिए होती है। अब होता है कि माँ ऑलरेडी डेफिशिएंट होती है, उसमें ऑलरेडी कमी होती है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो पता चलता है माँ इतनी कम थी कि माँ तो जो उसका हाल हुआ ही हुआ, बच्चा भी जो पैदा होता है ना वो भी खून की कमी के साथ खून की कमी का शिकार होता है। बिल्कुल, तो ये इन चीज़ों पर शुरू से तवज्जो दें, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है, बजाय उसके कि आप आयरन की ड्रिपें लगवाएं और ब्लड लगवाएं और दवाइयाँ खाएं, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। और डॉक्टर साहिबा ये जो खवातीन बच्चों को दूध पिलाती हैं उनमें भी ऑटोमेटिकली जो है वो खून की कमी हो रही होती है, तो उनको अपनी गजा में क्या चीज़ शामिल करनी चाहिए ताकि वो भी ठीक रहें और बच्चा भी उनका सेहतमंद रहे। लेकिन और फ्रीक्वेंटली
थोड़ा सा और ज्यादा अमाउंट में लें. जरूरी नहीं कि अगर आप एक रोटी खाती हैं दो या तीन रोटी खाना शुरू कर दें, लेकिन ये कि अपनी डाइट को बैलेंस रखिए. इन्हीं जो जिसमें आयरन है वो चीजें ज्यादा खाएं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खाएं, सही हेल्दी चीजें खाएं. ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाएं. जाते जाते एक समरी में चाहूंगी दोबारा अपना पैगाम जो है नौजवानों के लिए, उन बच्चों के लिए और यंगस्टर्स के लिए जिनमें खून की कमी है, आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? देखिए मेरा पैगाम यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सही है, तो अपना ख्याल आप खुद ही रख सकते हैं, दूसरा तो कोई नहीं रखेगा. ये हम खास तौर से ख्वातीन को समझाते हैं जो आके वो रोना रोती हैं कि जी ससुराल में हो गया, ये हो गया, फला हो गया. तो हम ये कहते हैं भाई तुम्हारी जिंदगी है ना, तुमने गुजारनी है जी. तो जो ख्याल आप कर सकते हो वो तो करो ना. सही, ठीक है, बाकी चीजें जो है वो हैं, एहतियात इलाज से बेहतर है. तो अपने खाने पीने को अच्छा कीजिए इन चीजों से जो कि मुजिर हैं आपके लिए, गुटखा, छालिया पान, चाय, ठीक है, स्मोकिंग, इनसे जितना दूर रह सकें वो रहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें एसिडिटी भी करती हैं. और एसिडिटी भी आखिर में जाके वही होता है कि मैदा ख़राब होगा तो आप जितना मर्जी खा लें, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो आप जो खा रहे हैं वो ज़ाया हो जाएगा, आपकी सेहत पे उसका कोई असर नहीं होगा. बिल्कुल ठीक है, तो यही है, एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारिए. सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर साइमा मुंजिर हमारे साथ मौजूद थी, बहुत बहुत शुक्रिया NIBD के तावन से आपने ये प्रोग्राम सुना. और डॉक्टर साइमा मुंजिर आप प्रोग्राम में तशरीफ लाएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी मालूमात आपने दी, यकीन हमारे लिसनर्स को बहुत फायदा हुआ होगा. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आमद के लिए.